यहाँ पर देखो, ये देखो शेर रेस्ट कर रहा है और अपना ये देखो, पहले हम और एक देखे थे और ये दूसरे वाला है, लेकिन ये पहले वाले से बड़ा है, ये देखो। वाह, मज़ा आ गया। लेकिन हमारे लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो आप, ये बड़ा सा एक एरिया है, इसमें टाइगर है और टाइगर को हम नज़दीक जाके दिखाने की कोशिश। पहले बहुत सारे जानवर या जंतु रहा करते थे इस जू में, लेकिन अभी इतना नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पीछे क्या है देखो, एक चीज़ है, आपको जूम करके दिखाते हैं। और देखो इसका नाम जो है, यहाँ पर लिखा है रेड सेरो बोल के कुछ लिखा है, और इसका डिटेल जो है पढ़ लेना। और यहाँ पर ये है, अब देख लेना। तो चलिए, बारिश का मौसम है और बारिश आने वाला है एक्चुअली। आगे चलो, इस तरफ है कुछ। हम जहाँ पर आए हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हो पानी में जो हिप्पोपोटामस बोलते, इसका स्पेलिंग सबको आता नहीं है, मुझे भी इतना क्लियरली बोल नहीं पाता हूँ। हिप्पोपोटामस कहते हैं और ये ज़्यादातर पानी में रहता है। इसका जो जबड़ा है बहुत ही बड़ा है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, आप देखो। और पानी के अंदर है तो थोड़ा ही दिख रहा है। तो ये रहा हिप्पोपोटामस, ये पानी के अंदर हमेशा बैठ के रहता है, बाहर निकलता है लेकिन अभी पानी के अंदर है। इसका जो जबड़ा है बहुत बड़ा है, अगर किसी को पकड़ लिया तो बाहर नहीं निकल सकता, बहुत बड़ा है हिप्पोपोटामस। अपने बुक्स में देखा होगा या टीवी में देखा होगा, और हम लाइव देख रहे हैं। अगर ऐसे जानवर जंतु देखना चाहते हो तो किसी भी स्ट्रीट में जाते हो, सबसे पहले जू में जाना, ये देखो। लेकिन इसका अंदर जो है बहुत बड़ा एरिया है, और आपको देखने में एक घंटा से ऊपर लग जाएगा। हम जल्दी में, क्योंकि हमें और जगह जाना है और बारिश आ रहा है। इसके अंदर शायद कुछ है, जाके देखते हैं है क्या या नहीं है। इसमें भी कुछ है यहाँ पर, चलो ये देख लेते पहले इसमें क्या है। तो यहाँ पर देखो, और एक बब्बर शेर मिल गया, और इस शेर का डिटेल यहाँ पर लिखा है, और शेर जो है यहाँ पर सो रहा है। हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, ये देखो शेर रेस्ट कर रहा है और अपना ये देखो। पहले हम और एक देखे थे और ये दूसरे वाला है, लेकिन ये पहले वाले से बड़ा है, ये देखो। वाह, मज़ा आ गया। लेकिन हमारे लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो आप, ये बड़ा सा एक एरिया है, इसमें टाइगर है, और टाइगर को हम नज़दीक जाके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनू भाई को मैंने बोला है तो उसके अंदर जाके एक अच्छा टफ फोटो लेके आ, लेकिन सोनू भाई बोल रहे नहीं, हमारा कैमरा अच्छा है, हम दूर से ही ले लेंगे। लेकिन मैंने बोला मेरा कैमरा अच्छा है, उसको लेकर तू अंदर चला जा। देखते हमारे टाइगर भैया जो है यहाँ पर है, ये देखो पेड़ के नीचे, हम जूम करके फोटो खींच के आपको दिखाते हैं। चलिए देखो टाइगर को। और ये जो जू का वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और त्रिपुरा सीरीज़ में अगर पहली बार मेरा ये वीडियो में आए हो तो आप पहले वाला वीडियो देख लो, उसके बाद ये सीरीज़ का एक एक वीडियो देखते जाओ, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये जो सीरीज़ चल रहा है हमारा, इस सीरीज़ का एक एक वीडियो में 5-5 मिनट का वीडियो आएगा, और जहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होगा वहीं से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगा। क्योंकि इसका जो है, हम नॉनस्टॉप वीडियो बना रहे हैं और रोज़ 5-5 मिनट का वीडियो देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। और अगर इस वीडियो मतलब इस त्रिपुरा सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, तो मैं अगले मंथ या अगले वीक को किसी और स्टेट में जाऊँगा। लेकिन आपका अगर रिएक्शन अच्छा हुआ तभी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो। और चलो हम टाइगर को देख लेते जूम कर। ये जो है यहाँ पर सो रहे, देखो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम उनसे बहुत दूर है, फिर भी हम जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए हमसे नाराज़ हो गए, दूसरी तरफ देखने लगे हमारे व्यूअर्स को। हाँ, टाइगर भैया अभी हमें कोपरेट कर रहे हैं, कोपरेट कर रहे हैं ना, बिल्कुल टाइगर भैया जो है अभी कोपरेट कर रहे हैं। प्लीज़ टाइगर भैया एक बार ज़ोर से दहाड़िए, जैसे कि हम मोबाइल गिरा के भाग जाए। बहुत सारे पिंजरे हैं, सब में वेराइटीज कैट है। यहाँ पर आप देख सकते हो जंगल कैट्स बहुत सारे हैं, लेकिन सबके साथ आगे देखो बारिश आ चुका है, और बारिश की वजह से सबके सब रूम के अंदर चले गए, इसलिए हम ज़्यादा दिखा नहीं पा रहे। ये देखो बहुत मतलब देखने में डेंजरस लग रहा है। और मैं और सोनू भाई यहाँ पर वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का, जब बारिश रुके उसके हम वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अभी भी जू का सिर्फ 50% हमने कवर किया है, और बारिश आ गया है, बारिश में थोड़ा भीग भी गए, भीग के हम एक रेस्ट हाउस में बैठे, बारिश ख़त्म होगा उसके बाद पूरा हम वीडियो शूट करेंगे। ऊपर वाला अगर हमारे साथ देगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा घूमेंगे आज के दिन, क्योंकि ऊपर वाले ने बारिश कर दिया। अगर बारिश अगर रोक दिया तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा जगह पे एक्सप्लोर करेंगे, और जगह से ज़्यादा जगह आप लोग को दिखाएंगे। और अगर ऊपर वाला अगर साथ नहीं दिया तो फिर तो क्या ही बोल सकते हैं। आप दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी बारिश थम जाए, अगर आपकी दुआ काम आया तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जगह घूमेंगे और आपको वीडियो मिलेंगे।
तो बारिश जो है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम और सोनू भाई बैठ के वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का, उसके बाद हम दूसरे साइड में जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 50% ही जू को कवर किया है।